हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब चैनल। अब आपके लिए दो नहीं तीन बाय कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताए थे, तीन तीन है अनिल जी, क्योंकि वाह। मौका है, अगर मौका और दस्तूर है तो जिसके पास अगर है लिक्विडिटी तो वो ले, और जो नहीं है तो फिर वो अगर है तो होल्ड करे, यही मैं कह सकता हूं। बिल्कुल सर, बताए सर, शुरुआत कीजिए। तो पहला है अनिल जी जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का ईयरली अगर आप एबिटा देखेंगे तो 40,000 करोड़ का, उसको ईवी दें आप 5 की भी तो 2 लाख की मार्केट कैप, उसके पास 32 हजार करोड़ की डेट है तो 1,70,000 की उसकी मार्केट कैप, 1/30 की भी नहीं डाल रहे, तो हाउ कैन यू गिव स्टील कंपनी सच अ बिग डिस्काउंटिंग। तो मेरे को लगता है जेएसडब्ल्यू नंबर्स आर मिस रिप्रेजेंटेड, 628-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस 614-655 का टारगेट। दूसरा पिक जो मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा इन द ईवी इन द सीवी स्पेस, अशोक लीलैंड 30-30 में लीजिए, 27 का स्टॉप लॉस, 35 का टारगेट। अनिल जी इसलिए तीन कह रहा हूं क्योंकि मार्केट नीचे से काफी मूव भी कर गई है, तो जो आपकी सुविधा हो वो ले सकते हैं आप। तीसरा पिक होएगा बीईएल, जो बजट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होएगा, 98.5-99 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 194, टारगेट ऑफ 212-215। अब इसमें जो आपको अनिल जी सूटेबल हो वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जो आपको समझ में आए और जो लेवल समझ में आए वो थोड़ा आपको अपना भी होमवर्क और अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। भसीन साहब आपको डायरेक्शन बता सकते हैं, ब्रॉड लेवल दे सकते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से आप भी स्टडी करके मार्केट का मूड माहौल देखकर एंट्री करें। जेएसडब्ल्यू स्टील, अशोक लेलैंड और बीईएल, ये तीन स्टॉक है जहां पर करनी है आपको खरीदारी। और आप